पिपलीवान के महान क्षत्रिय राजा को। मगध नरेश धनानंद का प्रणाम। धनानंद शांति का दूत बनकर आया था, घुटनों पर टिके हुए, हाथ जोड़े हुए। पीपलीवन नरेश के सामने उसने मित्रता की भीख मांगी थी। मेरे सात भाइयों ने निरंतर आपके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु हर बार वो आपके सामर्थ्य के आगे विफल रहे। मैं दूसरों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने में विश्वास रखता हूं, इसीलिए आपके समक्ष मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया। आशा करता हूं कि हमारे बीच की एक शत्रुता और द्वेष समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। विश्वास है कि आपको मेरे ईष्ट अर्धनारीश्वर का यह प्रतिरूप पसंद आया होगा। युद्ध केवल दो राजाओं के मध्य नहीं, अपितु दो राज्यों के मध्य होता है, जिसकी पीड़ा रक्त बनकर समस्त प्रजा की धमनियों में बहती है। ना दूसरों को सुख मिलता है और ना स्वयं को आनंद। इसीलिए मैं यहां रक्तपात समाप्त करने आया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं धनानंद, किंतु मित्रता का यह प्रस्ताव आप अपने दूत या दास के हाथों से भी तो भिजवा सकते थे। अवश्य मैं ऐसा कर सकता था, किंतु ऐसा करना आप जैसे महान राजा का अपमान होता। इसीलिए मैं यहां अकेला आया, निहत्था, क्योंकि मैं जानता हूं एक सच्चा क्षत्रिय राजा किसी निशस्त्र राजा पर आक्रमण नहीं करता। समझ सकता हूं मैं कि आपको विचार करने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए अभी आज्ञा चाहता हूं। सेनापति मत्सल थे जी, इस उपहार को सम्मान पूर्वक महल में ले आ। जो आज्ञा सम्राट।